अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मिमन फ्रॉम द लैंडमार्क रेडी। हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से आप सभी को ईद उल अदा की बहुत बहुत मुबारकबाद। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है फ्रॉम मुमरा स्टेशन टू शिलफटा, अलग अलग वेरिएंट्स में है। अब मेरे पास एक न्यू प्रॉपर्टीज आई है जो नियर टू पोजीशन है, 33 लाख से 1 BHK स्टार्ट होता है, जो मार्केट में सबसे चैलेंजिंग रेट है और ये नियर टू पोजीशन है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें, कॉल बिजी आए तो क्या करना है पता है आपको, व्हाट्सअप करें। मैं इस्तामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। थाने से सटे उल्लास नगर में श्रीराम चौक स्थित एप्पल डांस बार, 90 डेज डांस बार और एंजल बार एंड रेस्टोरेंट पर उल्लास नगर महानगर पालिका ने आज तोड़ू कार्रवाई की है। अब उल्लास नगर शहर में अवैध रूप से चल रहे डांस बारों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। तस्वीरें जो आप देख रहे हैं कि कैसे उल्लास नगर में चल रहे अवैध रूप से डांस बारों पर आज उल्लास नगर महानगर पालिका की तोड़ू कार्रवाई की जा रही है। उल्लास नगर के श्रीराम चौक पर अवैध रूप से चल रहे एप्पल डांस बार, 90 डेज डांस बार और एंजल्स बार एंटरटेनमेंट पर उल्लास नगर महानगर पालिका की तरफ से ये तोड़क कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले भी अवैध रूप से चल रहे डांस बारों पर मनपा और पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई थी, जिसके कुछ ही दिनों बाद ये डांस बार फिर से शुरू हो गए थे। वहीं सहायक आयुक्त गणेश सिप्पी ने बताया है कि शहर में चल रहे और भी अवैध डांस बारों पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। उल्लासनगर महापालिका में जो इल्लीगल बार है, डांस बार वगैरह, उनके ऊपर कार्रवाई करने के लिए हमें पत्र मिला था। तो जो हमारे ऑनरेबल कमिश्नर है, उन्होंने सब वार्ड ऑफिसर को कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। तो सभी बार को नोटिस दिया गया था। जो बार के पास कोई भी परमिशन नहीं थी, जो टोटली इल्लीगल थे, उनके ऊपर आज से कार्रवाई चालू की गई है। आज 2 बार है उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं और उसके बाद बाकी बार है उनसे भी हमने पेपर मंगाए हैं। वो पेपर का जो है उसका वेरिफिकेशन करके उनके ऊपर भी अगर इल्लीगल रहेंगे तो वो कार्रवाई करेंगे।